तो हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपसी का। सो गाइस, आप लोग अभी जो इंट्रो देखे उस तरह का अगर आप अपने प्रोफेशनल इंट्रो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप उस तरह का इंट्रो बना सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन में बहुत ही ईजीली प्रोसेस से। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और बताता हूँ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। तो मोबाइल स्क्रीन पर ले जाने से पहले आपको बता दूंगा, चैनल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको प्रोफेशनल इंट्रो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और उसको प्रीमियम कर लेना। और दोस्तों, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वो आपका प्रीमियम काइनमास्टर हो जाएगा, उसमें आपका नो वाटर मार्क्स, नो एड्स और नो एसेट्स आएंगे। तो सिंपली आपको काइनमास्टर खोलने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद 16:9 का रेशियो पे आपको उसको क्रिएट कर देना है। 16:9 पे रेशियो पे आपको उसको क्रिएट कर। तो दोस्तों, काइनमास्टर खुलेगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आपको नजर आएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में मीडिया पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे इमेज असिस्ट पे आके ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे राइट साइड में कट कर देना है। यहाँ इसको फिर टाइमलाइन को फर्स्ट में ले आना है। आपको टाइमलाइन को फर्स्ट में लाने के बाद फिर लेयर पे आना है, फिर मीडिया पे आना है और यहाँ से मैं यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट करूँगा। और जितना भी मैं एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ इस इंट्रो को बनाने में, सारा एलिमेंट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा पहले, ताकि मैं जो भी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसको आप एक साथ फॉलो करें जो भी मैं एलिमेंट्स को डाउनलोड करने के बाद। तो सिंपली आपको इस कुछ इस तरह का इसको बड़ा कर लेना है, इस तरह का, इस प्रकार से उसको बीच पे ले आना है। बीच में लाने के बाद इसको छोड़ देना है, उसके कहीं पर भी क्लिक करके उसको छोड़ देना है। फिर लेयर पे आना है वापस, फिर मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद फिर ब्लैक बैकग्राउंड को एक सिलेक्ट करना है, जो कि मैं लिंक मिल ही जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ का, सारा एलिमेंट्स का। तो कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा कर लेना है इसको। फिर इसको स्क्रॉल करके इधर नीचे साइड में ले आना है। साइड में लाने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में की का आइकन दिख रहा होगा, की के आइकन पे क्लिक करके आपको टाइमलाइन को 3.117 पे ले आना है। 3.117 पे, 3.117 पे आपको ले आना है। मैं ले आता हूँ थोड़ा सा तब पे। और सो दोस्तों, आपको भी टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हो तो ईजी है, मोबाइल में थोड़ा सा हाथ से थोड़ा करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। थ्री पॉइंट वन वन सिक्स पे भी लागे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अभी आपको ब्लैक बैकग्राउंड को स्क्रॉल करके इसको यूट्यूब को पूरा ढक देना है। सिंपली ढकने के बाद आपको इसको कहीं पर भी क्लिक करके इसको छोड़ देना है। यहाँ पे एनिमेशंस के बगल में एरो, इस पर क्लिक करके इसको, फिर एरो पे क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से आपका एनिमेशन बन जाएगा, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका एनिमेशन बन गया। उसके बाद दोस्तों को क्या करना है, इसको सिंपली आपको इस एनिमेशन को आपको यहाँ से राइट साइड में एरो का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको फुल हाई में आपको डाउनलोड करना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक करेगा ये आपका डाउनलोडिंग ले लेगा। इसको डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों वापस काइनमास्टर में आने के बाद आपको ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। इसका ड्यूरेशन आपको 10 सेकंड कर देना है, 10 सेकंड कर देना है। उसके बाद फिर आपको टाइमलाइन को फर्स्ट में लाके लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है। उसके बाद दोस्तों इस बार आपको यूट्यूब का लोगो नहीं लेके अपने चैनल का लोगो लेना है। अपने चैनल का लोगो ले लेने के बाद आप इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, जिसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, और इसको बीच में सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसका ड्यूरेशन भी इसके बराबर कर देना है, ब्लैक पिक्चर के बराबर इसका टाइमलाइन को फर्स्ट में लाके फिर लेयर पे आ जाना है, फिर मीडिया पे आ जाना है। उसके बाद फिर जो पहले मैंने ब्लैक बैकग्राउंड को लिया था उसको ब्लैक बैकग्राउंड को ले लेना है। उसके बाद नीचे राइट साइड में स्क्रॉल करना है और रोटेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, रोटेट का ऑप्शन करके इसको रोटेट अपोजिट साइड रोटेट कर देना है। इसको रोटेट करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लीजिए, बड़ा करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको बैठा देना है। बैठाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की में की का ऑप्शन मिला होगा लेफ्ट साइड में, क्लिक कर लेना है। इसका ड्यूरेशन इस, मतलब कि टाइमलाइन को आपको 2.11 पे ले आना है, 2.11 पे ले आना है आपको। ले आता हूँ 2.11 पे, 2.11 पे लाना है। थोड़ा सा टफ है दोस्तों,
मैं ले आ रहा हूँ 2.11 पे आ चुका है। उसके बाद दोस्तों इस बार आपको ब्लैक बैकग्राउंड को फिर से खसका के आपको इधर राइट साइड में इधर इस तरह का कॉर्नर पे आपको ले आना है। कॉर्नर में ले आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एनिमेशन का एरो दिख रहा होगा, एनिमेशन के लेफ्ट साइड में क्लिक कर लेना है, फिर एरो पे क्लिक करना है, फिर एरो पे क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंट्रो, मतलब कि कुछ इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली इसको भी यहाँ पे राइट साइड में एरो का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी हाई पे डाउनलोड कर लेना है। सेव एज वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, डाउनलोड लिंक ले लेना। तो गाइस वापस से आपको काइन मास्टर में आने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो कि जो हम लोग का मेन एलिमेंट है, मतलब कि जो मेन टेम्पलेट है, उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपली हम लोग लेयर पे क्लिक कर लेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग मीडिया पे आ जाएंगे। मीडिया के आने के बाद ये टेम्पलेट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये टेम्पलेट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ टेम्पलेट हम लोग का सपोर्ट नहीं हो रहा है मोबाइल में, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन होगा, ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करके इसको अलाउ करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम लोग का मोबाइल में ये सपोर्ट लेने लगेगा ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आपका भी मोबाइल में ये वीडियो सपोर्ट नहीं ले रहा होगा तो ये प्रोसेस करके आप अपना मोबाइल में सपोर्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ट्रांसकोडिंग लेने के बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ ट्रांसफर हम लोग का वीडियो सपोर्ट ले लिया है। तो सिंपली हम लोग इसको बड़ा कर देंगे, पूरा फुल स्क्रीन में बड़ा कर देंगे, बड़ा कर कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कहीं पर भी क्लिक करके छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर लेयर पे आना, फिर मीडिया पे आना, और पहले सबसे पहले जो हम लोग बनाए थे यूट्यूब का एनिमेशन वीडियो, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा कर देना है। यहाँ बड़ा करने के बाद इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर ब्लेंडिंग करेंगे। तो राइट साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्क्रीन पे सेलेक्ट करके यहाँ राइट पे लेफ्ट पे यहाँ क्लिक करके इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वापस से यहाँ पे इसको 2.7 पे ले आना है। आपको यहाँ पे 2.7 पे ले आना है। 2.7 पे लाने के बाद सिंपली आओ यहाँ लेयर पे आके मीडिया पे आना है, और उसके बाद जो आपने बनाया था लोगो वाला जो एनिमेशन वीडियो बनाया था उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लोगो वाला एनिमेशन वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देना है। यहाँ पे बड़ा करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे इसमें भी आपको राइट साइड में नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्क्रीन पे सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड में क्लिक करके इसको छोड़ देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से वापस से लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिरेज इफेक्ट दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आपका भी मिरेज इफेक्ट नहीं है तो सिंपली आपको राइट साइड में आप घर का एक शॉप का फोटो दिख रहा था, शॉप पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आपको नजर आएगा। तो आपको डिस्टॉर्शन में आ जाना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा राइट साइड में मिरेज का इफेक्ट, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको चलिए इफेक्ट को डाल के दिखा देता हूँ। तो मिरेज इफेक्ट के क्लिक कर लेना है, सिंपली यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद इसको इसका भी ड्यूरेशन इसके बराबर कर देना है, ये जितना दूर तक इसके हम लोग को बराबर कर देना है। उसके बाद इसको मिरर इफेक्ट पे वापस से क्लिक करना है हम लोग को, और यहाँ पे कुछ मिरेज इफेक्ट का कुछ सेटिंग्स करना है। तो सेटिंग्स पे आ जाना है हम लोग को, इसका मोड को 1 कर देना है, स्पीड को 10 कर देना है, स्पीड को हम लोग को 10 कर देना है, और एक्स और वाई को इसको फुल कर देना है हम लोग को, इसको कहीं पर भी क्लिक करके उसको छोड़ देना है। वापस से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करना है यहाँ पे, और हम लोग इस पे ऊपर टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ले आना है, इस जगह पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, एक सेकेंड में प्ले कर लेता हूँ, इस जगह पे हम लोग को लाना है। यहाँ पे हम लोग को फिर वापस से लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को अपना आप जो भी लिख सकते हो यहाँ पे, आपका जो मन है, आपने जो लिखना है यहाँ पे इंट्रो में, तो मैं अपना यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक SUSBCRIBE लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ मैं सिंपली मैं शेयर लिख लेता हूँ, गलती हो गया, SHARE शेयर एंड SUSBCRIBE लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिंपली मैं कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डबल ए का ऑप्शन है, फॉन्ट पे आ जाना है। फॉन्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करना है, रोबोटो बोल्ड। उसको सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इन एनिमेशन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक लेटर का ऑप्शन दिखाई देगा, लेटर बाय लेटर इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपका इसको ड्यूरेशन को 2 का लास्ट तक कर देना है, 2.5 तक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको छोड़ देना है, सिंपली देख सकते हो हम लोग का। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे आ जाना है, वीडियो पे आ जाना है और वीडियो फेड आउट को ऑन कर देना है और इसका ड्यूरेशन को 1.25 कर देना है सेकेंड, इसको कट कर देना है। और सिंपली हम लोग का देख सकते हो इंट्रो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा बन चुका है, देख सकते हो। मैं चलिए दिखा देता हूँ, देख सकते हो गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आकर पहुंच जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।